भारत रत्न या भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान है। पहले यह पुरस्कार जो था कला साहित्य विज्ञान जन सेवा में असाधारण कार्यों के लिए दिए जाने की व्यवस्था थी, किंतु अब यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में असाधारण कार्यों के लिए दिए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें पुरस्कार के रूप में दिए जाने वाले मेडल के मूल विशिष्ट में 35 मिलीमीटर व्यास वाला पीपल के पत्ते के आकार के स्वर्ण पदक है, जिस पर सूर्य और ऊपर हिंदी में भारत रत्न और नीचे एक फूलों का गुलदस्ता बना होता है। पीछे की ओर शासकीय संकेत आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते होता है। इसे सफ़ेद फीते में डालकर गले में पहनाया जाता है। भारत रत्न के से सम्मानित व्यक्ति को प्रोटोकॉल सूची में 7वीं रैंक पर संघ के कैबिनेट मंत्रियों के समान दर्जा दिया जाता है। और समान प्राप्तकर्ता इसका उपयोग नाम के आगे नहीं कर सकता है, क्योंकि यह मौलिक अधिकार अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करता है। और इसकी जो स्थापना है 2 जनवरी 1954 को की गई थी। मूल प्रलेख में मरणोपरांत दिए जाने की व्यवस्था नहीं थी, पर जनवरी 1955 में संशोधन करके इस बात की व्यवस्था कर दी गई। अब तक 11 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जा चुका है। सुभाष चंद्र बोस ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके लिए सम्मान घोषित होने के बाद वापस ले लिया गया था। 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न दिया जाता है, ठीक ना। और 1977 में जनता पार्टी की जो मोरारजी देसाई की सरकार थी इस पुरस्कार पर रोक लगाती थी, लेकिन 1980 में कांग्रेस ने पुनः शुरू कर दिया। और सचिन तेंदुलकर पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 2014 में मदन मोहन मालवीय के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी भारत रत्न मिला था। देखिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को 1954 में कुल मिला के 3 लोगों को है, राजगोपालाचारी जी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को। फिर 1955 में भी आप देखिए कि भगवान दास, मोक्षागुंडम, विश्वेश्वरैया, जवाहरलाल नेहरू जी को मिला। 57 में गोविंद वल्लभ पंत जी को, धोंडो केशव कर्वे जी को। 58 में विधान चंद्र राय को। 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन जी को। 1961 में राजेंद्र प्रसाद जी को। 1962 में जाकिर हुसैन को। 1963 में पांडुरंग वामन काणे को। 1963 में लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत 1966 में मिला। इंदिरा गांधी जी को 1971 में मिल गया। वराह वेंकट गिरी 1975 में। कुमार स्वामी कामराज मरणोपरांत मिला है 1976 में। मदर टेरेसा जी को 1980 में। आचार्य विनोबा भावे जी को मरणोपरांत 1983 में। खान अब्दुल गफ्फार खान जी को 1987 में। मरुदन गोपालन रामचंद्रन मरणोपरांत 1988 में। भीमराव अंबेडकर जी मरणोपरांत 1990 में। नेल्सन मंडेला 1990 में। इसके बाद राजीव गांधी मरणोपरांत 1991 में। पटेल जी को 1991 में। मोरारजी देसाई को 1991 में। सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत 1992 में। अबुल कलाम आज़ाद मरणोपरांत 92 में। जेआरडी टाटा 92, सत्यजीत राय 92, गुलजारी लाल नंदा 97 में। अरुणा आसफ अली मरणोपरांत 1997, APJ अब्दुल कलाम 1997, MS सुब्बुलक्ष्मी 1998, जी सुब्रमण्यम 1998, जयप्रकाश नारायण मरणोपरांत 1999, अमर्त्य सेन 1999, गोपीनाथ बारदोले 1999, सितार वादक पंडित रविशंकर 1999, मंगेशकर जी 2001, बिस्मिल्ला खान 2001, भीमसेन देसी 2008, सचिन तेंदुलकर जी 2013, CNR राव 2013, मदन मोहन वालिया 2014, अटल बिहारी वाजपेयी 2014।